हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई भी टेक वीडियो नहीं देने वाला हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एक ऐसे लड़के के बारे में फ्रेंड्स, जो कि आज YouTube में सक्सेसफुल बन चुका है। बट जब उसने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था फ्रेंड्स, उसे ये भी नहीं पता था कि आखिर YouTube होता क्या है। और आज वो जो है सक्सेसफुल यूट्यूबर है फ्रेंड्स, उसके चैनल में अभी लगभग 600K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने ही वाले हैं। जी फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ मनोज दे के बारे में। सो इस वीडियो को आप देखते रहिए और मैं आपसे बात करूँगा फ्रेंड्स कि आखिर मनोज दे YouTube में सक्सेसफुल कैसे बना, आज उसके इतने सब्सक्राइबर्स कैसे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मनोज दे जो है आज सक्सेसफुल यूट्यूबर बन चुका है विद 600K सब्सक्राइबर्स ऑन हिज चैनल। सो फ्रेंड्स, आखिर मनोज दे ने ऐसा क्या किया, मनोज दे के चैनल का ऐसा क्या राज है फ्रेंड्स, जो कि इतना जल्दी जो है वो यूट्यूब में सक्सेस कर गया फ्रेंड्स। सो यहाँ पे जो है तीन कारण निकाल के आते हैं फ्रेंड्स, जो कि मनोज दे को सक्सेसफुल बनाया यूट्यूब में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कारण की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो वो है मनोज दे का हार्डवर्क। जी हाँ फ्रेंड्स, मनोज दे का अगर आपको स्टोरी पता होगा फ्रेंड्स कि वो जो है पहले जो है टेक्निकल मनोज नाम का चैनल चलाता था, उसमें जो है उसने सब्सक्राइबर्स गेन किए, उसका पहला पेमेंट आने ही वाला था, लेकिन जो है यूट्यूब ने उसके चैनल को सस्पेंड कर दिया था। इसके बाद फिर उसने दूसरा चैनल बनाया मनोज दे के नाम का, और आज जो है उसमें 600K सब्सक्राइबर्स है फ्रेंड्स। तो उसका जो हार्डवर्क है फ्रेंड्स, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है यूट्यूब में, कि उसको जो है आज यूट्यूब में सक्सेस मिला। फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे दूसरे कारण की बात करूँ तो वो है क्रिएटर्स एंड कॉम्पिटिशन। जी फ्रेंड्स, जब मनोज दे का चैनल क्रिएट हुआ था फ्रेंड्स, और जब वो वीडियोस को स्टार्टिंग में अपलोड करता था, तभी जो फ्रेंड्स यूट्यूब इतना स्ट्रिक्ट नहीं हुआ था, यूट्यूब में इतना कंपटीशन भी नहीं था, और ना ही यूट्यूब में ज़्यादा क्रिएटर्स थे, और इतना वीडियोस अपलोड नहीं होता था फ्रेंड्स। और यहाँ पे जो है अगर आप आज एक टॉपिक को लेकर सर्च करते हो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो है आपको लाखों वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। तभी इतने सारे वीडियोस जो है अवेलेबल नहीं थे यूट्यूब में, आज जो है बहुत सारे क्रिएटर्स बन चुके हैं यूट्यूब में फ्रेंड्स, और बहुत सारे वीडियोस को अपलोड किया जाता है, तभी इतने वीडियोस अपलोड नहीं होता था फ्रेंड्स। इसलिए जो है मनोज दे का बहुत सारा वीडियो जो है वायरल हुआ है, जिसके कारण कि आज जो है वो एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन चुका है। पे अगर मैं तीसरे और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण की बात करूं, जो कि आज मनोज दे को सक्सेसफुल बनाया है यूट्यूब में फ्रेंड्स, वो है आप लोग। जी हाँ फ्रेंड्स, जब मनोज दे के 50,000 सब्सक्राइबर्स हुआ करते थे, तभी उसके सब्सक्राइबर्स जो है उसके वीडियोस को तो देखते ही थे, उसके वीडियोस को व्यूज़ तो देते ही थे, लेकिन फ्रेंड्स उसके सब्सक्राइबर्स ने क्या सोचा कि मनोज दे वीडियोस बना के अर्न कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी वीडियोस बनाऊंगा और अर्न करूंगा फ्रेंड्स। और तभी से जो है यूट्यूब में बहुत सारे चैनल क्रिएट किए गए, और इसके बाद फ्रेंड्स और जितने भी नए चैनल यहाँ पे यूट्यूब में आए फ्रेंड्स, उन्होंने सोचा कि मैं अपने चैनल को जल्दी से ग्रो कैसे करूँ, तो फ्रेंड्स उन्होंने मनोज दे के ऊपर वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया। मनोज दे ऐसा है, मनोज दे वैसा है, मनोज दे फेक है, मनोज दे का काला सच, ये वो अगेरो वगैरह बनाकर फ्रेंड्स अपने वीडियोस में अपलोड करना स्टार्ट कर दिए, जिससे कि क्या हुआ फ्रेंड्स, मनोज दे जो है एक प्रमोट हो गया, लाइक आप लोगों ने उसको अपने चैनल में प्रमोट किया है, सभी ने इतने सारे वीडियोस बनाए फ्रेंड्स कि उसके वीडियोस जो है वायरल हुए, और जो है आज मनोज दे सक्सेसफुल यूट्यूबर है आपके कारण फ्रेंड्स, क्योंकि आपने उसको प्रमोट किया था। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको जो है ये तीन कारण पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस मैं हमेशा ही अपने चैनल पे लाता रहता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।